Hello everyone, in this video we are going to solve some previous year questions from GATE 2022. So hum GATE 2022 ke kuch previous year problems ko cover karenge aur is video mein hum programming and data structures ke videos ko cover karenge. So I hope ki jo session hai aapko beneficial lagega. Agar video aapko acha lage to please subscribe to the channel and please like the video. And step by step ye jo problem hai this is a डिफरेंट पार्ट रहेगा राइट. जैसे सबसे पहले हम सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम बाद में एल्गोरिथम्स के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. ओके और मीनवाइल अगर आपको लगता है वी हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन पे भी इन वीडियोज के सॉल्यूशन को मतलब वहां से मुझे आप मुझे भेज सकते हैं एंड लेट अस स्टार्ट. ओके तो नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द गेट 2021 और यहाँ पर वी हैव अ सी प्रोग्राम. हमारे पास एक सी प्रोग्राम गिवन है एंड दे आर आस्किंग कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या होगा. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले यू कैन सी दिस इज द मेन फंक्शन एंड यहाँ पर आपके पास वी हैव टू वेरिएबल्स राइट. वन इज ए विच इज अ वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज एन अरे right. So you can see this is representing x, so which is representing 1 and here we have z or z jo hai wo ek right. This is representing an array right. This is representing an array and in this case this is the value which is 10 aur yahan par hamare paas 1 hai aur jo index locations jo hamare paas hai this is representing 0 and this is representing 1. Now, इस पूरी प्रॉब्लम में what we can do here is we can take dummy जो एड्रेसेस हैं हम इसको एज्यूम कर सकते हैं. सो फॉर एक्स लेट अस सपोज जो इसका एड्रेस है दैट इज 1000 और विद द हेल्प ऑफ जेड सो लेट अस एज्यूम कि जो हमारे पास एड्रेसेस हैं सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2000 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2004. ओके दिस आर रिप्रेजेंटिंग सम एड्रेसेस. नाउ दिस इज सेइंग दैट एन इज ए पॉइंटर. तो p जो है वो आपके पास एक पॉइंटर है और करंटली इट इज रिप्रेजेंटिंग नल. तो यहाँ पर नल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. देन वी कैन सी p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x यानी कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू विच इज 1000 यानी कि p जो है वो इस समय पर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. ओके नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार p इज इक्वल टू 10 राइट. सो दैट मीन्स जहां पर हम p जिस जगह पर पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पर हम एक वैल्यू 10 को हम यहां पर डालेंगे. ओके नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट पी इज इक्वल टू एड्रेस जेड ऑफ 1 राइट. सो दिस इज स्टेटमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट. वी कैन सी हियर इट इज एंड जेड एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1. तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एंड. यानी कि सबसे पहले हम जेड की जो इंडेक्स लोकेशन 1 पर जाएंगे और इसका जो एड्रेस है वो हमें देना है. जो एड्रेस जो है उसका 2004 राइट. सो और ये जो एड्रेस है वो पी की तरफ पॉइंट कर रहा है यानी कि इस समय पर जो पी पर हम 2004 की तरफ पॉइंट करेगा राइट. सो यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे. नाउ इट इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस लोकेशन. वो इस लोकेशन पर अब यहाँ पर पॉइंट करेगा. ओके नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट अब ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इसको ओपन करेंगे. सबसे पहले दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंड दिस इज जेड एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग जीरो यानी कि जेड जहां पर पॉइंट कर रहा है राइट. सो दिस इज इंडेक्स लोकेशन जीरो वो हम इस जगह पर पॉइंट कर रहे हैं और इसके आगे हमने एंड यूज किया यानी कि इसका एड्रेस यानी कि इसका एड्रेस जो है हमारे पास दिस विल गिव अस 2000. तो ये हमें 2000 हमें देगा एंड देन वी आर डूइंग प्लस 1 राइट. इस स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से हमने प्लस 1 हमने किया है. अगर इसके अंदर प्लस 1 किया है दैट मीन्स अब हमारे पास आएगा 2004 राइट. बिकॉज जब भी हम प्लस 1 करेंगे किसी पॉइंटर पे तो पॉइंटर के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ से वी आर यूजिंग स्टार राइट. अब आपके पास स्टार है और जो पूरी स्टेटमेंट है इस पूरी स्टेटमेंट को हम कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज एंड ऑफ यू नो स्टार ऑफ दिस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू स्टार ऑफ यू नो एंड जेड ऑफ 0 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि जो भी इसकी वैल्यूज है
हम वहां पर उसके अंदर प्लस थ्री हम यहाँ से ऐड करेंगे, राइट, बिकॉज इस स्टेटमेंट से हमारे पास 2004 मिलेगा और जहाँ से हमारे पास स्टार स्टार निकलेगा दैट मीन्स हमारे पास 11 है, 11 प्लस 3 विल बिकम 114. तो अब इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर 14 हो जाएगी. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिंट दीज वैल्यूज. तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू आएगी और x की जो वैल्यू है दिस इज 10 कॉमा z ऑफ z0, राइट, इसकी जो वैल्यू है दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग 10 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू नो z ऑफ 1, राइट, यानी कि जो इसकी वैल्यूज हैं इंडेक्स लोकेशन 1 पे दैट इज 14. तो ये 14 इसको रिप्रेजेंट करेगा, देयर फोर द करेक्ट आंसर विल बी डी. डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा. सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो अगेन लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. अगेन ये जो प्रॉब्लम है वो भी काफी इजी है और ये क्वेश्चन जो है वो भी सी प्रोग्रामिंग के बेसिस है. अगर आपको ये पता है कि लूप्स कैसे काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत इजी है उन सभी के लिए, राइट. तो लेट अस स्टार्ट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन अरे. आप हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर तीन चीज़ें हमारे पास आती है, राइट. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक. सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ब्लॉक आता है. द सेकेंड वन हेयर इज रिप्रेजेंटिंग द रो एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम. तो ये कॉलम हमारे पास है, राइट. तो यानी कि जो अरे हमारे पास होगा उसमें तीन चीज़ें होंगी, दैट इज ब्लॉक, रो एंड कॉलम. तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. राइट, सो ये क्या है हमारे पास ब्लॉक, ये क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक नंबर वन, आई मीन जीरो. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक नंबर वन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक नंबर टू, राइट. उसके बाद वी हैव रोज, राइट. दिस इज रो नंबर जीरो, रो नंबर वन एंड दिस इज टू. अगेन जीरो, वन एंड टू. अगेन जीरो, दिस इज वन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू. Okay, and then we have columns, right? So I'm going to use them as a column. So this is 0, 1, and 2. These are representing their columns. Okay. Right. Now they are saying ye jo pehli jo statement hai, ye kya represent kar raha? This is representing a block. Ye jo hai, ye pura ek block hai. So this is block is having a value which is 0. This is the block number 1. And this is representing the block number 2. यानी कि जब मैं ब्लॉक नंबर 0 की बात करेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास होंगी वो वैल्यूज होंगी दिस इज जिसकी जो वैल्यूज है दैट इज गोइंग टू बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, राइट. एंड देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक नंबर 1. तो ब्लॉक नंबर 1 की जो वैल्यूज होंगी दैट इज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and this is representing 18. And after this, ये जो है आपके पास this is block number 2, right? So इनकी जो values होंगी that is 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and this is representing your 27. Okay? Now यहाँ पर we have three variables, तीन variables आपके पास है. पहला जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग i, देन वी हैव j एंड देन वी हैव k और इन सब की जो वैल्यूज होंगी दैट इज गोइंग टू बी 0, जो यहाँ पर 0 होंगी. आफ्टर दिस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास फॉर लूप है, तो यहाँ पर तीन नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ही है, राइट. दिस इज द फर्स्ट फॉर लूप एंड दिस इज द सेकेंड फॉर लूप्स. लेकिन द ओनली थिंग इज यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज है वो हम सिर्फ i और k, बस इनकी वैल्यूज को हम चेंज करेंगे, लेकिन जो वैल्यू जे है वो जे की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, राइट. यानी कि जो वैल्यूज है वो आई और जे के बीच में ही होगा. ओके, नाउ इन दैट केस तो सबसे पहले इस फॉर लूप पर जाएंगे. सबसे पहले वी कैन से द वैल्यू ऑफ आई इज 0, राइट. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ब्लॉक, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ रो. और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉलम, राइट. तो सबसे पहले ये जो लूप है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर लूप, राइट, ये सिर्फ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है. ओके, और ये जो है यहाँ पर के हमारे पास है और के जो है
वो यहाँ पर कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आप समझेंगे, अगर आई की वैल्यू जब जीरो होगी बिगनिंग में, इफ आई से आई इज इक्वल टू जीरो, तब हम के की वैल्यूज को हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, राइट। यानी कि जब आई की वैल्यू जीरो होगी और के की वैल्यू जब हमारे पास वन जीरो होगा, तो उस केस में सबसे पहले हम जो वैल्यू प्रिंट करेंगे दैट इज ए ऑफ जीरो एंड जीरो एंड जीरो, ओके। नेक्स्ट टाइम अब यहाँ से दोबारा से हम स्टेट पर आएंगे, राइट। सो अगेन अब यहाँ से दोबारा से जो वैल्यू हम यहाँ से प्रिंट करेंगे दैट इज ए ऑफ जीरो जीरो एंड वन, राइट, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है अब यहाँ से वन हो जाएगी। अगेन दोबारा से इस फॉर लूप की वजह से जो वैल्यू जो हमारे पास होगी दैट इज जीरो जीरो एंड टू, राइट। यानी कि इनकी जो वैल्यूज होगी दैट इज जीरो आई मीन वन टू एंड थ्री, इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आएगी, राइट, वन टू एंड थ्री, ओके। आफ्टर दिस हम जैसे ही हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, अगेन दोबारा से एट द लास्ट अब हम दोबारा से इस स्टेट पर पहुंचेंगे, राइट, इस वाले फॉर लूप पर पहुंचेंगे, राइट। और देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे हम इसकी लाइन को चेंज करेंगे, राइट। सबसे पहले हमारे पास आएगा वन टू थ्री, और यहाँ से इसकी वजह से हमारे पास लाइन चेंज होगा और दोबारा से हम जाएंगे इस ब्लॉक पर, यानी कि ब्लॉक की जो वैल्यू है अब हो जाएगी हमारे पास वन, राइट। ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास वन, करेक्ट। तो नेक्स्ट दोबारा से विल डू द सेम थिंग, यानी कि अब जो हम वैल्यू सर्च करेंगे दैट इज ए ऑफ वन, अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग जीरो एंड दिस इज जीरो, अगेन ये फॉर लूप फिर से चलेगा, दोबारा इज ए ऑफ वन एंड दिस इज जीरो एंड दिस इज वन, एंड अगेन ए ऑफ टू एंड दिस इज जीरो एंड दिस इज आई मीन दिस इज वन एंड दिस रिप्रेजेंटिंग टू, राइट। यानी कि अब जो वैल्यूज हम चेक करेंगे दैट इज गोइंग टू बी टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, यानी वैल्यूज हम प्रिंट करेंगे दैट इज टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, ओके। एंड आफ्टर दिस अगेन जैसे ही हम दोबारा से इस लूप पर पहुंचेंगे, राइट, दैट मीन्स विल चेंज द ब्लॉक नंबर टू, राइट। हम दोबारा से नेक्स्ट ब्लॉक पर आएंगे और अगेन वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस वैल्यूज विच इज 19, 20 एंड 21, राइट। यानी कि ये जो दोनों फॉर लूप है, राइट, इससे सिर्फ ब्लॉक चेंज हो रहा है और यहाँ से कॉलम चेंज हो रहा है, राइट। यानी कि सबसे पहले हम पहले ब्लॉक से आएंगे, इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, फिर हम ब्लॉक नंबर वन पर आएंगे, फिर इनकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, और फिर हम ब्लॉक नंबर टू पर पहुंचेंगे और फिर इनकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। यानी कि जो वैल्यूज हम प्रिंट करेंगे दैट इज वन टू थ्री टेन इलेवन ट्वेल्व एंड देन नाइनटीन ट्वेंटी एंड देन वी हैव 21, राइट राइट। सो यू कैन सी द वैल्यू जो हमारे पास होगी, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक यहाँ पर कुछ मैं लिख रहा था बट अगेन वो क्लियरली दिख नहीं रहा था। सो यू कैन सी हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज वन टू थ्री, राइट, ये क्या आपके पास ब्लॉक नंबर जीरो और उसका जो कॉलम है, राइट, दिस इज कॉलम नंबर यू नो जीरो। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, राइट, ये क्या होगा आपके पास, दिस इज ब्लॉक नंबर वन और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक नंबर टू, राइट, और उन सबके कॉलम्स हमारे पास होंगे, राइट। जो करेक्ट आंसर हियर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ए, ए इसका सही आंसर होगा, राइट। सो अगेन अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको दोबारा से मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो लूप है, राइट, इस लूप में हमारे पास तीन वेरिएबल्स है दैट इज आई जे और के। आई जो है दैट इज फॉर यू नो ब्लॉक, जे जो है दैट इज रो एंड के इज फॉर कॉलम। द प्रॉब्लम इज इस पूरे लूप के अंदर सिर्फ हमने ब्लॉक को और कॉलम को यूज किया है बट हमने यहाँ पर एक रो को यूज नहीं किया है। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर हियर इज ए, ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। So I hope you understand this. Now let us solve this problem. Again, this is one of the very easy problem. लेकिन इस problem को समझने के लिए तीन चीज़ें के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। Number one, आपको पता होना चाहिए कि ASCII code होता क्या है और इन सभी symbols का ASCII code क्या है। जैसे capital A, right? This is A. This is capital B is 66, right? In the same way, capital Z is 90. In the same way, small a is 97, small b is 98, small z is 122, right? In the same way, कुछ special symbols के बारे में पता होना चाहिए, that is star, plus और minus. और ये सभी चीज़ें जो है वो actually question में ये सब चीज़ें already given है, वो उन्होंने पहले से दिया होता है इस specific question के अंदर। ये gate 2021 का question है और वहाँ पर ये already उन्होंने ये जो ASCII code की जो values है वो पहले से हमें given थी, okay? सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए ये जो सिंबल दिखा रहा है दिस इज कैपिटल पी, राइट, ये क्या है, ये कैपिटल है, इट इज कैपिटल
और सिस एक्स ये जो है वो आपके पास स्मॉल है, ये आप दो सेकंड चीज़ ये आपको पता होना चाहिए, और थर्ड आपको ये पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है, राइट। जैसे अगर होता सिंगल पी समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या आपके पास बिट वाइज, एंड इफ आई से समथिंग लाइक दिस सो दैट इज बिट वाइज और, एंड थर्ड वन इज दैट इज बिट वाइज एक्सॉर। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा। ओके तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। तो पहला जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर, तो आपके पास एक कैरेक्टर है, दिस इज ए इज अ वेरिएबल और जिसके अंदर पी हमने रिप्रेजेंट किया है, और अगर आपको पता हो तो पी की जो एस्काई वैल्यू है सो दैट इज 80, तो वो हमारे पास 80 होगा, करेक्ट, बिकॉज दिस इज यू नो 65। इन द सेम वे अगर आप ऐड करेंगे तो दिस वैल्यू इज 80। इन द सेम वे द सेकेंड वन हियर इज बी, और बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल एक्स, और दैट इज इसकी जो वैल्यू हमारे पास एस्काई कोड जो इसकी वैल्यू है दैट इज 120 यहाँ पर होगा। यानी कि अगर मैं इसको इफ आई कन्वर्ट दिस बिट वाइज, अगर मैं बिट वाइज अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी 0101000, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास होगी दैट इज 0111100। तो ये इनकी यू नो दिस इज बिट वाइज वैल्यूज जो है, अब आपको इनकी वैल्यू यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अब हमें इनकी वैल्यूज को करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर बिट वाइज, राइट, सो दैट इज ए यू नो बिट वाइज एंड विद बी, यानी कि इनकी वैल्यू जो होगी दैट इज यू नो 80 विथ बिट वाइज विथ 120। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो इसकी दिस इज गोइंग टू बी 0101000 एंड दिस इज 0, ओके आई थिंक दिस इज वन मोर 0, और देन वी हैव बी, बी इज 0111100, राइट। और अगर हम इन दोनों के बीच में ऐड करेंगे सो दिस इज 000, दिस इज यू नो 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0 1 एंड 0, राइट, दिस इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है आपको यहाँ से निकलेगी, और इसकी जो बिकॉज जो बिट वाइज एंड है तो इस केस में इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी 80, तो वो यहाँ पर 80 होगा, और इस स्टार की जो वैल्यू होगी दैट इज 42, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास दैट इज 80 प्लस इसकी वजह से दिस इज 42, सो इट इज 122, और वो 120 जो है स्मॉल जेड को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल जेड, स्मॉल जेड को रिप्रेजेंट करेगा। इन द सेम वे जब मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूँ, बिफोर दैट लेट मी रेज दिस वैल्यूज, ठीक है। सो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दिस इज और, राइट, यानी कि दैट इज 80 और विद 120 और माइनस ऑफ दिस स्पेशल सिंबल। अगर आप बिटवाइज करेंगे ना तो यू कैन गेट दिस वैल्यू इज 120, और उसमें से हम माइनस करेंगे विद माइनस दिस सिंबल सो इट इज 45, और यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू विच इज 75, तो हमें 75 जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा, और दिस 75 जो वैल्यू है दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके इन द सेम वे यू कैन सी द थर्ड सिंबल, तो थर्ड सिंबल आपको यहाँ से देख सकते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स और, राइट, सो विच इज 0101000 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0111, दिस इज 1000, राइट। तो यानी कि इस केस में हमारे पास ए एक्स और बी आपके पास आएगा, सो द वैल्यू इज गोइंग टू बी 000, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड 0, ये इनकी जो निकलेगी दैट इज 40, तो यहाँ पर 40 निकलेगी, राइट। सो यानी कि इस केस में द वैल्यू इज 40 प्लस इस एक्स की जो वैल्यू है नो प्लस की जो वैल्यू हमारे पास होगी दैट इज 43, तब दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 83, तो ये यहाँ पर 83 की रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज कैपिटल एस, तो कैपिटल एस को इस पर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यानी कि पूरी प्रॉब्लम से जब हम इनके वैल्यूज को हम डालने की कोशिश करेंगे तो यू कैन गेट दिस वैल्यू इज स्मॉल जेड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल एस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एस, राइट, जेड के एंड एस, एंड द करेक्ट आंसर हियर विल बी ए, ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। अगेन द प्रॉब्लम इज इजी, काफ़ी इजी है, बट
अगर आपको एस्काई कोड क्या है, कैसे बिटवाइज ऐड करना है, बिटवाइज और करना है, अगर आप सो करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इजी. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच.